संज्ञा की दुनिया में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ाएंगे भाववाचक संज्ञा बनाना। इसके पहले मैं बताया था व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, लेकिन आज हम लोग सीखेंगे भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं। तो क्रिया से, सर्वनाम से, विशेषण से, अव्यय से भाववाचक संज्ञा बनती है। हाँ, एक एक करके देखो। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा हम कैसे बनाएंगे। ये है जातिवाचक। ये ऐसी संज्ञा है जो जाति का बोध करा रहे। देव की, देव माने देवता, देवता की सारी जाति। दास माने सेवक, नौकर, बहुत सारे दास। दानव, बहुत सारे दानव की जाति। विद्वान, विधवा। सूर, सूर माने वीर होता है। शिशु, यानी ये सब जातिवाचक। इसमें ऐसा हम प्रत्यय लगाते हैं, ठीक है, प्रत्यय लास्ट में लगता है। लगाने के बाद हम भाववाचक, भाववाचक का मतलब वही जातिवाचक किसी भाव का बोध कराते हैं। देव, इसमें हम तो लगा देंगे तो देवत्व, देवत्व का भाव आ रहा है, यानी इसके अंदर देवता के सारे गुण हैं, ठीक है। दास, दासत्व, भाई नौकर तो सभी होते हैं, लेकिन नौकर के गुण सभी के अंदर नहीं होते, ठीक है। तो भाववाचक दासत्व, दानवता, दानवता, विद्वान, विद्वता, विधवा, वैधव्य, सूर, शौर्य, विधवा सभी होती हैं, लेकिन विधवा के गुण सब में नहीं पाए जाते। उसमें जब वैधव्य लिखेंगे तब जाकर के यह भाववाचक संज्ञा बनेगा। सूर का शौर्य, शिशु का सायसव, इसमें आपको संधि की भी जानकारी चाहिए, इसकी संधि क्या होगी, फिर प्रत्यय क्या है। इसलिए जब सब जानकारी आपको धीरे धीरे हो जाती है तब आप संपूर्ण ज्ञान हो जाते हैं। अभी तो आप जानेंगे तो आप भ्रमित होंगे कि कैसे बन गया, ठीक है। आज जब सारी जानकारी हो जाती है तो आपको दिक्कत नहीं, अभी आप सीख रहे हैं। स्वामी, स्वामित्व, यहां देख रहे हैं स्वामी में बड़ी की मात्रा है, लेकिन जब वही स्वामित्व का उच्चारण करेंगे तो छोटी का उच्चारण हो रहा है, ठीक है। स्वामी में, स्वामी में तो स्वामित्व। शिक्षक, शिक्षा। स्त्री, स्त्रीत्व। शत्रु, शत्रुता। शैतान, शैतानी। सेवक, सेवा। सज्जन, सज्जन। उसी तरह मजदूर, मित्र, राष्ट्र। मजदूरी, मित्रता, राष्ट्रीयता, मतलब इसमें भाव पैदा हो रहा है। मजदूर एक जातिवाचक है, इसमें भी मजदूर का भाव है, लेकिन ये जातिवाचक है, मजदूरों की जाति को बोध करा रहा है। आइए, मजदूरी, मजदूरी करने का भाव पैदा कर रहा है। मित्र, बहुत सारे मित्र, लेकिन मित्रता क्या है, ये भाव पैदा कर रहा है, ठीक है, कि मित्रता, राष्ट्रीयता। उसी तरह पंडित, पांडित्य, बच्चा, बचपन। सर्वनाम से जातिवाचक संज्ञा हम कह, अरे सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा कैसे, ये सब सर्वनाम है। सर्वनाम आप किसे कहते हैं, नाम के स्थान पर जिस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है उसी को सर्वनाम कहा जाता है, ठीक है। मम, मैं, निज, अपने लिए, सर्व, सभी के लिए। माँ, माँ के लिए। अहम, अहंता, गमन, ये भाववाचक बनते हैं, ठीक है। ये है, यहाँ सर्वनाम है अपना, स्व, आप, पर, बहु, इसका भाववाचक यह बनेगा, ठीक। विशेषण से भाववाचक संज्ञा, ये सब विशेषण है, ठीक है। महान, महानता। मधुर, मधुरता। मीठा, मिठास। मुक्त, मुक्ति, मुक्ति का भाव, मतलब मैं छूट गया। दयालु, दयालुता। दच, दच माने किसी चीज में आप बहुत ज्यादा निपुण हो, उसी को दच कहा जाता है। दुष्टता, शिष्टता। शिष्ट माने शिष्टाचार। श्रेष्ठता यानी बहुत विशिष्ट आदि। सच्चा, सच्चाई। अस्तब, अस्तब्धता। अस्तब्ध माने साइलेंट, सन्नाटा। सरस माने इजी। सफल, सफलता। सभ्य, सभ्यता। इस तरह आप, ये आपका भाववाचक। तो क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना हम कल बताएंगे।
और कल आपका ये चैप्टर समाप्ति हो जाएगा, ठीक है। तो भाववाचक से संबंधित कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझे अवश्य पर्सनल व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप करके पूछेंगे।